अरे तो आप हैं कौन, आप अपने कंट्री को क्यों बर्बाद करने पे तुले हैं। फ्रांस में जो हुआ ना उस पर सऊदी अरेबिया ने भाई ठीक है, वो रिजेंटमेंट सबने दिखाई, इसमें कोई शक नहीं है, रिजेंटमेंट दिखाना था ना आपको। कितने स्ट्रॉन्ग सेंटेंस बोल दिया कि हम कंट्री के एम्बेसडर को वापस भेज देंगे, जिसकी हिम्मत नहीं थी आपके अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। कंट्री के एम्बेसडर को वापस भेजने की हिम्मत थी नहीं, अगर थी तो उस समय बोला था निकाल देते उसी समय। ये क्यों बोला था कि 20 अप्रैल निकालेंगे भाई, नहीं निकाल सकते थे, आपको पता था, आपको ये पता था कि 20 अप्रैल तक सब भूल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, या 20 अप्रैल तक सिचुएशन चेंज हो जाएगी। नहीं हुई, सब भूले भी नहीं। उसके बाद 20 अप्रैल की डेडलाइन आने लगी तो आप घबरा गए, दूसरे एक पार्टी ने उसका इलेक्शन में इशू बना लिया और दूसरी पार्टी ने इलेक्शन में इशू बनाया तो आप फंस गए। अब आप देख रहे थे कि कैसे इसको मैं करूं कंट्रोल, उसकी वजह से आपके कंट्री में फ्रांस से ज्यादा खून बह गया, आपने दूसरे कंट्री की प्रॉब्लम को अपने कंट्री में पाल लिया। ये तो वही कहानी हुई जैसे हमारे हमारे जब इंडिया और पाकिस्तान सेम थे 1921 में खिलाफत मूवमेंट चला था, भाई खलीफा कहीं का निकाला गया और उसको निकाला तो मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने संभाला गद्दी को। मुस्तफा कमाल अतातुर्क को सारे तुर्की लोग पसंद करते थे, तो खलीफा हटाया गया, हमारे यहां मूवमेंट चला उस पर। भाई आप हैं कौन, अपने आप को आप किंग समझते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के जो लोग हैं ना वो पूरे वर्ल्ड को अपना समझने लगे, प्रॉब्लम ये है। वो अब आपने मतलब आप तो अपने आप को यही समझ रहे हो कि हम तो मसीहा हैं, हम पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों को बोलेंगे कि आप हमारी बात मानिए और मानेंगे, मानता कोई है नहीं आपकी बात, ओआईसी में आप बिल्कुल साइड लाइन है, ठीक है। तो आप मतलब दूसरे कंट्री की लड़ाई को अपने कंट्री में ले आए और अपने कंट्री का खून बहा दिया, ऐसे थोड़ी चलता है यार, ऐसे थोड़ी चलता है। ठीक ठीक, अच्छा चलिए रोहित शर्मा आपका इसके ऊपर जो है वो स्टैंड से कहा गया। अच्छा मैं आपसे अब कुछ कोविड के हवाले से हम बात करेंगे क्योंकि उस पर काफी अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो खड़ी हो गई है। बिकॉज वी आर इंडियंस एंड वी डू नॉट फॉलो एनी रूल, तो एज अ रूल वी डू नॉट फॉलो एनी रूल, तो हम लोग बिना मास्क के अपना घूम रहे थे। और जैसे ही कोरोना वैक्सीन इंडिया में आई तो सबको ये लगा कि कोरोना की वैक्सीन आ गई, अब हमारा कोरोना क्या बिगाड़ लेगा, तो सबने वो डिस्टेंसिंग और ये सब बंद कर दिया। तो वो एक और डेंजरस स्टेप था भाई, ये भूल गए सबके सब कि हमारी कैपेसिटी नहीं है, वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू इनोक्यूलेट 130 करोड़ पीपल एट अ गो। 130 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना मजाक बात होती है क्या, वर्ल्ड का सबसे बड़ी एक्सरसाइज होगी, वो सबसे बड़ी इनोक्यूलेशन एक्सरसाइज होगी। और उसमें भी हमारा जो इलेक्शन होता है वो इतना बड़ा इलेक्शन, अब तो खैर वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होना शुरू हो गया, जिस समय हम बैलेट पेपर से इलेक्शन करते थे तो इतना पेपर यूज होता था कि आप अर्थ के इक्वेटर को उसे 2 बार रैप कर सकते थे, इतना हम पेपर यूज करते थे। मतलब अभी भी जब हम इलेक्शन करते हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रूप मूवमेंट होता है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट एक्सरसाइज होती है वो। आप 130 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने की बात कर रहे हैं और आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है नहीं, प्रोडक्शन कैपेसिटी 10 लाख 20 लाख, अभी तक हम लोग जब से शुरू हुआ है हम 16 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं, दैट मीन्स 3/4 ऑफ पाकिस्तान को हम वैक्सीनेट कर चुके हैं। लेकिन फिर भी अब 3/4 ऑफ पाकिस्तान को अगर अगर ये वैक्सीनेशन पाकिस्तान में हुआ होता तो पाकिस्तान तो कोरोना फ्री था,